भारत इस देश को सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। ये देश सभ्यता और इतिहास का महासागर है। यहाँ के धर्म, कला और परंपरा में नजर आती है यहाँ की विविधता, और इसकी धरती के गर्भ में बसा है काला हीरा, जो सालों से यहाँ के लोगों का लालन पालन करता आ रहा है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रचुर खनिजों में से एक है कोयला। कोल इंडिया के सहायक वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड पश्चिमी क्षेत्र के कोयला खनन की जिम्मेदारी उठाता है, पर जब भी कोयला खनन या इससे जुड़े कार्य स्थलों की बात होती है तो अक्सर कोयले की कालिख, गंदगी और दूषित वातावरण की छवि मन में आती है। इसीलिए अक्सर लोग खदानों में जाना पसंद नहीं करते, ना कोई इस उद्योग के बारे में जानकारी लेने में दिलचस्पी दिखाता है। काम भले ही श्वेतधारी हो, मगर रंगों का परहेज यहाँ के श्रमिकों की फितरत में नहीं। सालों से खदानों के श्रमिकों का साहस और परिश्रम आधुनिक दुनिया की बुनियाद रहा है। तपती धूप में पारा भले ही 50 डिग्री पहुंच जाए, मगर श्रमिकों के हौसले के पतंगों की उड़ान फिर भी बुलंदी पर रहती है। कोयला क्षेत्र और इसके आसपास के जीवन के बारे में थोड़ा रहस्यवाद जरूर है, जिससे बाहरी दुनिया अब तक अनजान थी। इसी कड़ी में वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड नागपुर ने आम जनता को इस अनोखी दुनिया से रूबरू कराने के लिए भारत के पहले इको माइन टूरिज्म सर्किट की शुरुआत की। इको माइन टूरिज्म WCL नागपुर से 45 किलोमीटर की दूरी पर सावनेर अंडरग्राउंड माइन और 30 किलोमीटर की दूरी पर गोंडे गांव खुली खदान क्षेत्र में यात्रा करने की अनुमति देता है। इको पार्क 15 एकड़ का प्राकृतिक आरक्षित स्थल है। खनन उद्योग के बारे में समझ फैलाने के लिए इको पार्क देश में अपनी तरह की पहली पहल है। यह वनीकरण और खदान के पानी के पुनरुपयोग के माध्यम से पारिस्थितिकी को संतुलित करने का प्रयास करता है। इस माइन इको पार्क का उद्घाटन 26 नवंबर 2015 को किया गया। इको पार्क में कई वैज्ञानिक उपकरण हैं, जैसे कि वैज्ञानिक फव्वारा, वैज्ञानिक झूले इत्यादि, जो कि लागू भौतिक कानूनों का उपयोग करके बनाया गया है, जो WCL के कामगारों द्वारा खदानों के ही अनुपयोगी सामग्री का उपयोग करके बनाया गया है। खदान के पानी का उपयोग करके प्राकृतिक संतुलन को बढ़ावा देने के लिए पार्क में नाव की सवारी यानी माइन वाटर चैनल बोटिंग कराने का अपनी तरह का पहला प्रयास है। ट्रेन की सवारी के साथ पार्क और जंगल जैसा वातावरण देखने को सुखद और आरामदायक बना देता है। ये एक प्राचीन परिदृश्य का दावा करता है, जिसमें कई प्राकृतिक पौधों और औषधीय पौधों, बांस के पौधों और फूलों के बगीचे सहित पेड़ों के साथ अपने मूल आकार के अधिकांश प्राकृतिक जंगल हैं। पार्क में कई प्रदर्शनकारी प्रौद्योगिकियां, जैसे कि वाटर पंप का सौर विद्युतीकरण यानी सोलर एनर्जी, वर्षा जल संचयन यानी रेन हार्वेस्टिंग, सूक्ष्म सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन आदि के साथ साथ कई साहसिक सवारी जैसे रोप चेयर, लक्ष्मण झूला, रोप क्लाइंबर, बॉल पूल सेंटर तथा एक ओपन जिम भी हैं। पार्क में एक कृत्रिम खदान सुरंग है, जिसमें विभिन्न खनन कार्य, खनन मशीनरी और उपयोग की जाने वाली विधियां दर्शाई गई हैं। इस इको पार्क में ओशन पूल यानी कृत्रिम समुद्री तट बनाया गया है और तरंगों का निर्माण खदान की कार्य मुक्त मशीनों द्वारा किया जाता है। इस इको पार्क में
देश का पहला माइन म्यूजियम भी है, जहां भूगर्भ शास्त्र और उससे जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी आम जनता को विस्तार में मिलती है। धरती में कोयले का निर्माण कैसे हुआ अथवा उसे कैसे अभी तक निकाला गया, इसका वृत्तचित्र यहां बनाए गए डिजिटल सिनेमा हॉल में पर्यटक देख सकते हैं। इसके अलावा पार्क में सोवेनिर शॉप का निर्माण भी किया जा रहा है। खुली खदान में कार्य के दौरान निकले गए ओवरबर्डन से रेत अलग करने के संयंत्र के मॉडल को भी म्यूजियम में रखा गया है। रेत के साथ अलग की गई मिट्टी का इस्तेमाल फ्लाई ऐश के साथ मिलाकर ईंटों का निर्माण भी दिखाया गया है। 27 मार्च 2016 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उनके रेडियो कार्यक्रम मन की बात में इस इको पार्क की सराहना की गई और तब यहां तकरीबन 10,000 पर्यटकों की उपस्थिति दर्ज हुई थी। मैं कोल इंडिया को एक विशेष बधाई देना चाहता हूं। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड WCL नागपुर के पास सावनेर जहां कोल माइंस है, उस कोल माइंस में उन्होंने इको फ्रेंडली माइंड टूरिज्म सर्किट डेवलप किया है। आमतौर पर हम लोगों की सोच है कि कोल माइंस यानी दूर ही रहना, वहाँ के लोगों की तस्वीरें जो हम देखते हैं तो हमें लगता है वहाँ जाने जैसा क्या होगा, और हमारे यहाँ तो कहावत भी रहती है कोयले में हाथ काले तो लोग यूं ही दूर भागते हैं। लेकिन उसी कोयले को टूरिज्म का डेस्टिनेशन बना देना, और मैं खुश हूँ कि अभी अभी तो ये शुरुआत हुई है और अब तक करीब करीब 10,000 से ज़्यादा लोगों ने नागपुर के पास सावनेर गांव के निकट ये इको फ्रेंडली माइंड टूरिज्म की मुलाकात की है। ये अपने आप में कुछ नया देखने का अवसर देती है। इको पार्क के पर्यटन को बढ़ाने हेतु वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कंपनी और महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन MTDC के बीच समझौता ज्ञापन भी हुआ है, जिसके बाद इस इको पार्क में देश के कोने कोने से तथा विदेशों से भी पर्यटक अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इको पार्क के आसपास के क्षेत्रों से रोजाना सैर सपाटे के लिए छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी उम्र के लोग यहां आ रहे हैं। अभी तक तकरीबन 3,00,000 से ज्यादा लोगों ने इस इको पार्क का दौरा किया है। इको पार्क अपने स्वयं के जैविक शहद और वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करता है और आसपास के गांवों से किसानों को मुफ्त में प्रशिक्षण प्रदान करता है। सावनेर के एक विशेष स्कूल से जैविक उत्पादों की पैकेजिंग सामग्री की खरीद की जाती है, जहां मूक बधिर बच्चे उन्हें बनाते हैं। आने वाले दिनों में जल्द ही वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कंपनी अपने सावनेर इको पार्क में सावनेर महोत्सव मनाने की योजना बना रही है, जहां स्थानीय कलाकारों को अपनी कला प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त हो सकेगा तथा आने वाले पर्यटकों का मनोरंजन भी होगा। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया गया माइन इको पार्क यहां के श्रमिकों के श्रमिक की पहचान है। यहां की खदानों को सालों से तराशने वाले समुदाय का गुलदस्ता है।